वेब 37 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द मेन फोर्स विच जनरेट्स द कंट्रैक्शन जनरेट्स द ब्लड प्रेशर, सॉरी ब्लड प्रेशर कौन जनरेट करता है, किसकी कंट्रैक्शन से? ऑरिकल्स, ऑरिकल्स आपको पता होना चाहिए कि ऑरिकल्स एट्रिया को भी कहते हैं, आर्टरीज, आर्टरीज भी नहीं, वेन्स, वेन्स भी नहीं। तो ये आपकी बुक की ही लाइन है कि द प्रेशर इज जनरेटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट की कंट्रैक्शन से ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस होता है। इन मियासिस टू, एमसीक्यूज है अगला, इन मियासिस टू डैश डिफ्रेंशिएट इन टू स्पर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिफ्रेंशिएट करते हैं स्पर्म में, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोसाइट्स नहीं। सर्टोलाइज सेल्स तो टेस्टिस के अंदर न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूरिशमेंट। पोलर बॉडीज, पोलर बॉडीज तो ओजेनेसिस के दौरान रिलीज होती हैं, ओजेनेसिस के दौरान। तो स्पर्मेटिज किस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, स्पर्म में। आपने इसको भी, इस डायग्राम को भी अच्छी तरह से याद रखना है। इस डायग्राम को आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने क्रोमेटिड हैं, इसमें कितने क्रोमोसोम हैं, कौन सी जो मियासिस है उसमें क्रोमोसोम नंबर कम होते हैं। क्रोमोसोम नंबर दोनों में याद रखिए, मियासिस वन में भी वन होते हैं, सॉरी क्रोमेटिड नंबर, क्रोमेटिड नंबर मियासिस टू में भी कम होते हैं और मियासिस वन में भी। लेकिन जो जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर सिर्फ मियासिस वन में। तो मियासिस वन को इसीलिए हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। 1014th MCQs है, अहमद ब्लड कैन नॉट क्लॉट प्रॉपरली, ही वॉज डायग्नोज विद हीमोफीलिया ए, ही पास इज करेक्टर टू द ग्रैंड सन थ्रू हिज। आपको पता होना चाहिए कि जो भी फादर होता है, अगर मेल हीमोफिलिक है, अगर एक मेल हीमोफिलिक है, तो वो अपना हीमोफीलिया का ट्रेट अपनी बेटी को देगा, डॉटर को देगा। और डॉटर क्या होगी, कैरियर होगी, डॉटर कैरियर होगी, और जो डॉटर होगी वो अपने बेटे को आगे हीमोफीलिया का ट्रेट पास करेगी, हीमोफीलिया का अलील पास करेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, थ्रू हिज डॉटर। आपने ये भी याद रखा है हीमोफीलिया कौन सी इनहेरिटेंस है, ज़िगज़ैग इनहेरिटेंस, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड आपने याद रखना है कि ज़िगज़ैग इनहेरिटेंस होती है। जो वाई लिंक्ड होती है, वाई लिंक्ड स्ट्रेट लाइन इनहेरिटेंस होती है, वाई लिंक्ड क्योंकि वाई सिर्फ मेल में होता है, तो मेल से मेल, मेल से मेल, तो ये स्ट्रेट लाइन इनहेरिटेंस है, मेल से मेल, मेल से मेल। लेकिन जो एक्स लिंक्ड होती हैं वो मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, और जो ये जो फीमेल होती है ये कैरियर होती है। 1015 एमसीक्यूज है हमारे पास के एक्सपोजर टू डैश लाइट इनफेक्टिव इन फोटोसेंसिस एज इट इनेबल्स गार्ड सेल्स टू टेक के पॉजिटिव एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू लाइट होती है जो इसकी वजह से के पॉजिटिव सेल के अंदर मूव करते हैं। जब सेल के अंदर मूव करेंगे तो सेल की सल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, वाटर कम सल्यूट पोटेंशियल से हाई पिच सल्यूट पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से वाटर सेल में जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगा। जब सेल टर्जिड हो जाएगा तो स्टोमा ओपन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ब्लू था, ब्लू लाइट के पॉजिटिव की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करती है।